गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल। आज हम क्लास सेवन्थ का जो सब्जेक्ट साइंस का है, उसमें हमने टॉपिक जो है सॉइल, उसमें हमने सब टॉपिक लिया है उसका इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है मिट्टी, तो स्टार्ट करते हैं हम ये टॉपिक। सॉइल इज़ द बैकबोन ऑफ आवर फूड सिक्योरिटी। विदाउट हेल्दी सॉइल्स farmers wouldn't be able to provide us with feed, fiber, food and fuel. जैसे हमारे लिए हमारी बैकबोन ज़रूरी होती है ना, बिना बैकबोन के हम बैठ नहीं पाते हैं, वैसे ही जो सॉइल है वो है बैकबोन है आवर फूड सिक्योरिटी। हमारे खाने के लिए जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उसके लिए क्या है, सॉइल अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी होती है, क्योंकि प्लांट्स जो लगाते हैं हम सॉइल में ही लगाते हैं, तो इसलिए जो सॉइल है वो बैकबोन ऑफ आवर फूड सिक्योरिटी। विदाउट हेल्दी सॉइल, जब तक मिट्टी जो होगी, सॉइल हमारी अच्छी नहीं, फर्टिलाइज नहीं होगी, न्यूट्रिएंट से भरी हुई नहीं होगी, फार्मर्स वुडंट बी एबल टू प्रोवाइड, जो किसान होता है वो हमें फिर अच्छा खाना, अच्छा फाइबर, कपड़ा वगैरह, अच्छा फूड, अच्छा फीड और अच्छा फ्यूल, अच्छा ईंधन हमें वो नहीं दे सकता है। ठीक है, फीड, फाइबर, फूड एंड फ्यूल, अगर सॉइल अच्छी नहीं होगी तो ये चार चीज़ें जो है हमें फार्मर हमें नहीं दे पाएगा। जस्ट लाइक हाउ अ फाउंडेशन ऑफ अ होम इज क्रिटिकल, हेल्दी सॉइल्स एक्ट एज ए फाउंडेशन फॉर ए प्लांट्स बाय सपोर्टिंग प्लांट रूट्स एंड कीपिंग प्लांट्स अपराइट फॉर ग्रोथ। जैसे हमारे लिए मुश्किल होता है घर खड़ा करना, घर को खड़ा करना जैसे हमारे लिए मुश्किल होता है, वैसे ही जो हेल्दी सॉइल होती है वो क्या करती है, वो जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स को सपोर्ट करती है। ठीक है, जितना घर की नींव होती है जो मजबूत होगी तो घर हमारा खड़ा रहेगा, अगर नींव जो होती है वो ही कमज़ोर होगी तो हमारा घर गिर जाएगा। सेम जब हमारी सॉइल ही अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो हमारा जो प्लांट है वो खड़ा रहेगा, उसकी जो रूट्स हैं वो खड़ी रहेंगी। Soils are habitats for beneficial soil microbes. These organisms are nature's hidden helpers. जो soil है वो habitat में घर है कई organisms का, beneficial soil microbes का, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो छुपे हुए होते हैं, nature's hidden, कुदरत के छुपे हुए वो organisms होते हैं जो मिट्टी के अंदर होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं वो। Soils are home for many other organisms like insects that lay and hatch eggs in the soil. जो soil है वो घर है कई organisms का, जैसे earthworm है, ants हैं, वो क्या करते हैं वो insects, वो मिट्टी के अंदर अपने अंडे देते हैं और उनमें से अपने बच्चे निकालते हैं। Healthy soils provide farmers with better crop yields and protect plants from stress. भैया फार्मर्स को हेल्प करती है सॉइल और प्लांट्स को सपोर्ट करती है। हेल्दी सॉइल प्रोटेक्ट्स द लैंड फ्रॉम इरोजन। ठीक है, हेल्दी सॉइल जो होगी, मिट्टी, मजबूत मिट्टी जो होगी, वो हल्की सी बारिश पड़ेगी या हवा तेज़ चलेगी तो वो इरोजन नहीं होगा, रिमूव नहीं होगी मिट्टी। हमने कल पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ द सॉइल, उसको हम कहते हैं इरोजन। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन हेल्थ, ऑलमोस्ट ऑल द एंटीबायोटिक्स we take to help fight infection were obtained by soil microbes. अगर हम ह्यूमन की हेल्थ ले लें, हमारे हेल्थ इशू अगर जो होगा तो हमें एंटीबायोटिक चाहिए होती है, हमें कभी कोई इन्फेक्शन हो जाती है या कभी कोई बीमार रहते हैं, डॉक्टर पहले बोलता है एंटीबायोटिक खाओ। एंटीबायोटिक क्या होती है, वो जो हमारे अंदर इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करता है, उसको रोकता है। तो वो जो मेडिसिन है वो कहाँ से आती है, जो सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनसे बनती है। Soil is made up of 45% minerals, 25% water, 5% organic matter and 25% air. ठीक है, सॉइल में क्या क्या होता है, 45% minerals होते हैं, 25% water होता है, 5% organic matter and 25% ही air होती है। Soil help regulate the earth's temperature. जो soil होती है वो earth का temperature को equal रखती है, ना ज़्यादा गर्म होने देती है और ना ही ज़्यादा ठंडा। सॉइल एक्ट्स एज ए होल्डिंग फैसिलिटी फॉर सॉइल वेस्ट। मिट्टी को वेस्ट होने से
बचाती है अगेंस्ट सॉइल इरोजन, अगर आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। जितनी मजबूत मिट्टी होगी तो उतनी ये बहती अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो बच्चों ये हैं आपके इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। मेन ये है कि कितने सारे हमारे प्लांट्स हैं वो बिना सॉइल की फर्टिलिटी के, बिना अच्छी सॉइल के वो खड़े नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, अगर वो माइक्रोब्स वगैरह हैं, जो अगर मिट्टी नहीं अच्छी होगी तो वो भी वो मर जाएंगे उसके अंदर। और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि जैसे एंटीबायोटिक है, वो सॉइल के माइक्रोब से बनती है। तो बच्चों ये था आपके टॉपिक, सब टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अपने साइंस की कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।